बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं नोट राउंड वीडियो आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि जातीय उत्पीड़न की लगातार कवरेज हमारे चैनल पर आप देख पा रहे हैं। हर दिन लगभग पूरे देश भर में से एक न एक बड़ा मैटर सामने आ ही जाता है जिसमें बड़े किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती है। कल हमने आपको बताया था कि कर्नाटक के कुलबर्गा के अंदर बीजेपी के सांसद के साथ गांव वालों ने अछूत होने के कारण उन्हें गांव में प्रवेश करने नहीं दिया था। आज एक बड़ी घटना और सामने आई है कि दलित होने के कारण ग्राम प्रधान को गांव से बीजेपी के मंत्री बाहर निकलवा रहे हैं। जी हाँ, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आप सभी को पता है कि दलित अत्याचार के मामले पर टॉप रैंक रहती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य आते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी के एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा है कि उसके गुंडे लोग जो है वो दलित प्रधान को इतना मारा पीटा कि उसने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई, तो अब उसके गुंडे उन्हें गांव से निकालने की धमकी दे रहे हैं और अब मजबूरन उन्हें गांव से पलायन करने की नौबत भी आ गई है और उन्होंने गांव से पलायन भी कर दिया है। तो बात बताते हैं पूरी की सब कुछ क्या कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है सहारनपुर। सहारनपुर अपने आप के अंदर भीम आर्मी के वैसे नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर अत्याचार की घटना भी सामने आई है। सहारनपुर के थाना चिकलाना क्षेत्र में रहने वाले प्रवीण कुमार, जो कि अब्दुल्लापुर हार्डी के प्रधान है, अब्दुल्लापुर हार्डी जो है वहाँ के उस ग्राम के प्रधान है, और आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज हुई है कि उनके साथ मंत्री, बीजेपी के मंत्री जो है डॉक्टर स्वतंत्र राज्य प्रभार, यानी योगी सरकार के जो मंत्री है वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री है, नाम है डॉक्टर धर्म सिंह, उनकी तरफ से दलित प्रधान प्रवीण कुमार को बुरी तरफ से उनके गुंडों ने बुरी तरीके से पीटा। ना केवल पीटा बल्कि गांव छोड़कर जाने के लिए भी कह दिया, लेकिन वो डरे नहीं और उन्होंने पुलिस के अंदर इसकी कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद उन तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनका चालान पेश करके उन्हें गिरफ्तार कर ले लिया, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद उनका वही वापस शुरू हो गया और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि दलित होने के कारण उनके साथ जातीय उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें परिवार सहित पूरे परिवार को मार पीटने तक की धमकियां दी जा रही है। उनकी फोटोज आप हमारे साइड में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान का आरोप है कि अब उन्हें गांव छोड़कर जाने के लिए उन्होंने बाकायदा लोगों के सामने कहकर अब अपना गांव भी छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्राम प्रधान की पोस्ट पर बैठने वाला, उससे पहले आपको बताया कि सीकर राजस्थान में आया था कि पुलिस वाले ने जातिवाद के कारण आत्महत्या की थी, उसके बाद यूपी के अंदर भी आया था, त्रिवेदन गौतम ने जातीय उत्पीड़न के कारण जान दी थी, ग्राम विकास अधिकारी था, और अब ये ग्राम प्रधान अपना परिवार सहित घर छोड़ने के लिए मजबूर है सिर्फ और सिर्फ जाति के कारण। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे।